हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि इन नंबर्स का हम क्या करें, क्यूब करें। तो उनकी यानी कि जो लास्ट यूनिट यानी कि है ये वाली, इनका हम क्यूब करें तो इसका यानी कि लास्ट इनकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो हमें पता है 20 n की 1 है, तो 20 n की 1 हमें इस पूरा जो n की 21 है उसका क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी लास्ट n की डिजिट क्या है हमारे पास, 1 है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब्स का मतलब क्या होता है, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 21 का n की क्यूब्स क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब्स इक्वल टू इसकी लास्ट जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी। तो सिमिलरली सेकेंड इनकी पार्ट के अंदर क्या है, 388। तो हम लास्ट जो डिजिट है क्या है हमारे पास, 8, उसका क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे। तो 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 8 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 8 8 64, और 64 को 8 से किया तो 512। ओके, तो इनकी 388 का क्यूब करेंगे तो इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, 2 आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हमें यही फाइंड करना था, अगर इन नंबर्स प्रत्येक नंबर्स का हम क्यूब करें तो उनकी जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इन नंबर्स के अंदर हमें बताना है कौन सा हमारा परफेक्ट क्यूब है, कौन सा हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब के अंदर क्या बताया था, अगर हम 3 3 के यानी कि पेयर्स कंप्लीट बनते हैं तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, बट 3 के कंप्लीट पेयर नहीं बनते तो वो हमारा क्यूब रूट यानी कि सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो लेट्स सी, 243 के प्राइम फैक्टर नोट करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 8 जाए 24, 1 7, फिर से 3 पे, 3 9 जा, 3 3 जा, ओके। तो अब बताओ यानी कि 243 के जो पेयर बने वो क्या बने, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये तो 3 का कंप्लीट पेयर बन गए, लेकिन ये क्या बच गए हमारे पास, 2 3 एक्स्ट्रा इनकी बच गए। तो एक्स्ट्रा बच गए इनकी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्या करेंगे, 243 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, सिमिलरली सेकंड हमारा पार्ट है 1728, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से, 2 8 जा 16, 6, 2 4, फिर से 2 पे, 2 4 8 और 2, फिर से 2 पे, 2 1 6, फिर से 2 पे, 1 0 8, फिर से 2 पे, 5 4, 2 पे 7, 3 पे 9, 3 पे 9, ओके। तो इसके जो फैक्टर बने 1728 के, वो हमारे क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 1728 हमें 3 3 पेयर्स बनाने हैं, तो देखो ये वाला एक कंप्लीट पेयर बन गया, ये वाला कंप्लीट पेयर और ये वाला, यानी कि तीनों क्या बन गए हमारे पास, कंप्लीट पेयर बन गए। इनकी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इनका पेयर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। तो ये क्या होगा हमारा, परफेक्ट क्यूब, और ये वाला क्या है हमारा, नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इनकी क्वेश्चन है, फाइंड
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए, ओके और हम इसे सिमिलरली इसी तरह से किससे इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें कि ये हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी 90 इनकी 2 है उसका क्या निकालेंगे हम, परफेक्ट क्यूब निकालेंगे, ओके तो 92 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 92 को पहले 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 6 12, फिर से 2 पे 2 3 और 20 3। अब हमें पता है ना तो हमारा कंप्लीट 2 का एन की पेयर बन रहा ना ही 20 3 का, तो हमें कितने की एन की 2 हमें क्या चाहिए एक्स्ट्रा, 20 एन की 3 और 1 क्या चाहिए 2, यानी कि इन नंबर से हम क्या करेंगे 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा, ओके यानी कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब कब बनता है, परफेक्ट क्यूब बनता है तब हमारे 3 3 के पेयर बनते हैं, तो 3 3 के पेयर बनने से पहले ये क्या है 2 सिर्फ हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, 23 1 टाइम्स आ रहा है, तो 2 को भी 3 टाइम्स करेंगे और 23 को भी 3 टाइम्स, 2 हमारा 2 टाइम्स है तो 1 एक्स्ट्रा 2 और आएगा, 23 हमारा 1 टाइम्स है तो 23 हमारे कितने आएंगे 2 टाइम्स आएंगे, यानी कि 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 2। इस नंबर से अगर हम 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 इज ए परफेक्ट क्यूब बनेगा। सिमिलरली 1200 हमारे पास क्या है 20 n की 5, इसको 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, फिर से 5 से 5 4 20, 5 5 25, फिर से 9 पे 9 5 जा, यानी कि 9 को हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, ओके तो हमारे पास इसके जो फैक्टर है वो क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हमें पता है इनका क्या है हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब है, ओके यानी कि ये हमारा क्या है 3 का पेयर बन रहा है, बट 3 3 हमारे क्या आ रहे हैं एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे हैं, तो यानी कि 1100